प्यारे बच्चों, मैं ज्योति अध्ययन विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 की क्लास में सामाजिक विज्ञान अध्याय 11 हमारी खनिज संपदा। आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं, हम भूमि को खोद करके विभिन्न प्रकार के पदार्थ प्राप्त करते हैं विभिन्न प्रकार के पदार्थ को भूमि को खोद करके निकालते हैं। एक पदार्थ ही हमारे खनिज संपदा कहलाता है। भूमि को खोद करके विभिन्न प्रकार के पदार्थ हम प्राप्त करते हैं। यही पदार्थ ही हमारे खनिज संपदा कहलाते हैं। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एल्युमिनियम, मैग्नीज, लोहा, तांबा आदि खनिजों के उदाहरण। इन सभी पदार्थों को शुरू करके हम इनका प्रयोग करते हैं। बहुत से खनिजों का प्रयोग हम ऊर्जा यंत्र में करते हैं। ताप विद्युत, गृह तथा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में भी खनिज पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। जिस स्थान से खनिज पदार्थ को निकाला जाता है, उसे खान तथा खान में कार्य करने वाले श्रमिकों को खनिज कहते हैं। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज तथा उनका वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहले देखते हैं मैग्नीज। भारत में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, मद्रास, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। कौन कौन से हैं? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, मद्रास, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग शुष्क बैटरी, कांच का सामान, ब्लीचिंग पाउडर, बिजली आदि बनाने में किया जाता है। मध्य प्रदेश में मैंगनीज उत्पादन में सबसे आगे है। इसका मुख्य प्रयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। अब दूसरे देखते हैं तांबा। तांबा बहुत ही लचीला और बिजली का उत्तम चालक। बिजली, टेलीग्राफ तथा टेलीफोन के तार एवं रेल के अन्य सामान बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तांबा के सिक्के बनाने और बर्तन बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं, तांबे का वार्षिक उत्पादन लगभग 30,000 टन है। आप देखते हैं कोयला। रेल इंजन, बिजली घरों, विभिन्न उद्योग धंधों के यंत्रों को चलाने में कोयले का प्रयोग किया जाता है। कोयला दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी और वर्धा नदियों के घाटियों में पाया जाता है। कोयले को काला सोना भी कहा जाता है। कोयले को काला सोना भी कहा जाता है। अब देखते हैं बक्सर। हवाई जहाज तथा बिजली के तार आदि एल्युमिनियम से बनाए जाते हैं। एल्युमिनियम बॉक्साइट प्राप्त होता है। बॉक्साइट एक हल्की धातु है।
बॉक्साइट एक कैसी धातु है? एक हल्की धातु है जिसे बर्तन भी बनाए जाते हैं। इससे बर्तन भी बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा कश्मीर में इसका प्रमुख उत्पादक राज्य है। अब देखते हैं सोना। सोना एक बहुमूल्य धातु है। यह एक महंगी धातु है। इसका प्रयोग गहने बनाने के लिए किया जाता है। सोने का प्रयोग गहने बनाने के लिए किया जाता है। सोने की खानें संसार में सबसे गहरी है। चट्टानों में सोना नसों के रूप में पाया जाता है। चट्टानों में सोना जो है वो नसों के रूप में पाया जाता है, जिससे चूर करके अलग किया जाता है। जिसको चूर अथवा थोक महीन करके उसका अलग सोना को अलग किया जाता है। अब देखते हैं खरीज तेल। मशीनों के यातायात के साधन आज तेल से चलते हैं। मशीन एवं यातायात के साधन जो है अधिक तेल से ही चलते हैं। प्रयोग में सुविधा की दृष्टि से खनिज तेल का महत्व कोयले से अधिक हो गया है। तेल पृथ्वी में गहरे कुएं खोदकर बड़े बड़े पंप लगाकर प्राप्त किया जाता है। इन कुओं से प्राप्त तेल को तेल शोधक कारखानों में शुद्ध किया जाता है। तेल शोधक कारखानों में इन्हें शुद्ध किया जाता है। इसका प्रयोग प्रकाश, पेट्रोल, डीजल, गैस, ग्रीस तथा मिट्टी का तेल प्राप्त किया जाता है। प्लास्टिक तथा मोम भी इसी से प्राप्त किए जाते हैं। समुद्र में बॉम्बे हाई एवं विशाखापट्टनम के निकट बंगाल की खाड़ी में भी कच्चा तेल प्राप्त किया जाता है। हल्दिया, बड़ौदा, मुंबई, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम, मथुरा में प्रमुख तेल शोधक कारखाने। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में एल्युमिनियम का कारखाना स्थापित है। इस कारखाने के लिए बिजली रिहंद बांध से प्राप्त होती है। देखते हैं लोहा। लौह अयस्क को शुद्ध करके लोहा प्राप्त किया जाता है। लौह अयस्क को शुद्ध करके लोहा प्राप्त किया जाता है। भारत में सिंहभूमि, कोइंजर जात, बोराय एवं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, म्यूरगंज एवं गोवा में लौह अयस्क की प्रमुख खाने हैं। इस्पात के रूप में राउरकेला, जमशेदपुर आदि के प्रमुख कारखाने हैं। यहाँ पर छोटी सी सुई से लेकर बड़े बड़े जहाज तक बनाए जाते हैं। हमारे देश में उत्तम श्रेणी का लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। हमारे देश में और भी बहुत से खनिज पाए जाते हैं, जिनका प्रयोग हम अन्य वस्तु बनाने में करते हैं, जैसे यूरेनियम, अक्रक आदि। खनिज संपदा का संरक्षण। अब देखते हैं खनिज संपदा का संरक्षण। प्रकृति ने हमें विभिन्न प्रकार के खनिज संपदा उपहार में दी। पृथ्वी ने हमें विभिन्न प्रकार के खनिज संपदा को उपहार में दी है। हमारा कर्तव्य है कि हम इसकी सुरक्षा करें और इसे समाप्त न होने। इसके संरक्षण के लिए हमें इसका प्रयोग कम मात्रा में करना चाहिए। पृथ्वी में खनिज लाखों वर्षों से बनते हैं। यदि खनिज पृथ्वी के अस्तित्व में से समाप्त हो गए हो तो इन्हें हम नहीं बना सकते। प्यारे बच्चों, आप लोगों को हमारी खनिज संपदा समझ में आ गया होगा। आप इसे पढ़ेंगे और दोहराएंगे, समझेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।